हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम फाउंटेन पेन के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ सस्ते से पेन है जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये आपका सेलो इंक मेट। तो ये जो पेन है अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ये मैं एकदम नया पेन लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये आपका जो है इंक मेट फाउंटेन पेन, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ के आसपास है। तो 50 रुपीज़ का ये आपको पेन मिल जाएगा। इसके अंदर एक पेन होगा और दो कार्ट्रिज हैं, ठीक है। तो ये वाली कार्ट्रिज हैं। तो इसको हम जो है वो ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस साइड से ओपन कर लेता हूँ, बाकी पेन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो तो हम बाद में लगा देंगे उसको। तो ये जो है, क्योंकि मुझे कार्टेज भी निकालनी थी इसलिए मैंने इधर से इसको ओपन किया। आप जो है वो ऊपर से भी कर सकते हैं, नहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, बाद में आप टेप लगा के इसको इस तरह से जो है वो चिपका सकते हैं इस तरह से। यहाँ टेप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रहेगा, ठीक है। तो इस पेन को ओपन करके देख लेते हैं। तो इस पेन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका निब होगा। ये देखें इसकी निब किस तरह की है। इसकी निब जो है वो कुछ इस तरह की है। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह की है। देखो ये इसकी निब है, ओके। और इसी का यही पेन है, ये पुराना पेन है, ये मैं यूज कर रहा हूँ। मैं अभी दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। अब यहाँ पर जो है जो इसको हम कट कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ तरह का है। अब इसके अंदर ये कार्ट्रिज जो है वो पड़ेगी, ठीक है। ये पहले की मेरे पास एक रखी थी, तो दो इसके साथ हैं, एक ये है और एक इसके अंदर है। तो दो इसके साथ आई थी और दो ये। तो इस पेन को तो मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको उस पर ध्यान है। ये पेन थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर आप देखेंगे ये एक कन्वर्टर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर एक कन्वर्टर है और 3 कार्ट्रिज हैं और एक ये हॉसर का है। ये थोड़ा सा महंगा है, ये 80 रुपीज़ के आसपास है। ये मैंने कट कर दिया है चारों तरफ से, तो उस वजह से इसमें रेट अभी नहीं दिख रहे हैं, बट ये 70 और 80 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आप देखें, 1 पीस हॉजर एक्सो लिक्विड इंक फाउंटेन पेन, 2 जो है वो इसकी कार्ट्रिज हैं और 1 इसका कन्वर्टर है। इसके अंदर यहाँ लिखा है साफ साफ, ये इधर से मैंने कट कर दिया तो इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, बट मैं अभी उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर ये देखें, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो एक तो तरीका ये है कि ये इसकी एक कार्ट्रिज है, क्योंकि तो साइड से अगर देखेंगे तो इस तरह का एक कैप लगा होगा, ये बंद है। आपको कुछ नहीं करना है इसको डालने के लिए, इसको आपको उठाना है ये चीज़, और इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब आप क्या करेंगे, तेज़ी से पुश करेंगे। तेज़ी का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, वरना इसकी ये अंदर वो टूट ना जाए, ठीक है। तो आपको जो है वो इसको लगा के इस तरह से जो है वो पुश करना है एक दूसरी तरफ, ठीक है। पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अभी आपको इस वाले का ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं इसमें कन्वर्टर का यूज़ करूँगा, तो आप कन्वर्टर का भी यूज़ करना सीख जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ देखें ये, तो इसको मैं कुछ इस तरह, देखो अगर मैं ऐसे कर करूँगा तो ये जो है वो इंक निकल जाएगी, सारी फैल जाएगी। आपको ऐसे रखना है, इसकी जो निब है वो उसको ऐसे रखना है। अभी मैं बताऊँगा इसके, ये इसका इस तरह से, तो ये निकल गया। और इसको जब आप इसके अंदर पुश करेंगे तब भी इसको आपको ऐसे इसको नीचे रखना है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको कट कर दिया है, ये देखें ये जो है, क्योंकि इससे मैं क्या करता हूँ, अरेबिक लिखता हूँ, ठीक है। अरेबिक या आप उर्दू लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। ये मेरी एक बुक है, इसमें आपको मैं एक पेज लिख के बता दे रहा हूँ। एक देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो इस ये जो मैंने अरेबिक लिखी है, ये जो है वो मैंने उसी पेन से लिखी है, इसलिए मैंने उसको कट किया था। बट आपका मन है, आप चाहे अगर आप अरेबिक नहीं लिखना चाहते हैं, उर्दू नहीं लिखते, तो आप सिंपली मतलब इस वाले पेन को यूज़ कर लें। मैं इसको पहले पैक कर देता हूँ, ये अरेबिक वाले पेन को, इसको मैं यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो ये कोई भी कार्ट्रिज इसके अंदर डाल दें, बट मैं अभी नहीं डाल रहा। मैं इसमें जो है वो इसका यूज़ करूँगा कन्वर्टर का, ठीक है, कन्वर्टर का यूज़ करूँगा। या चलिए मैं एक कार्ट्रिज इसके अंदर डाल ही देता हूँ।
चलिए मैं कार्टेज इसके अंदर डाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं जो है वो ब्लैक कलर की इंक को फिल करूंगा। ये ब्लैक कलर की कैमलिन की इंक है, छोटी वाली भी आती है, उसको भी ले सकते हैं। उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा फिल करके कन्वर्टर के थ्रू, ठीक है। इसका जो कन्वर्टर है इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखो ये हॉसर का पेन है, मैं अभी आपको, ये कन्वर्टर है, उसका पेन ये है, ठीक है। इस पेन को मैं निकाल लेता हूँ, साइड से रख देते हैं, और अभी मैं आपको लिख के दिखाऊँ। देखो इसकी जो इंक है वो कुछ इस तरह की है, इससे आप अरेबिक नहीं लिख सकते, ठीक है। इस वाले पेन से आप अरेबिक, क्योंकि इसको कट ही नहीं कर सकते आप कर ही नहीं सकते। इस ये 80 के आसपास, 70-80 का पेन मिलता है, तो इसमें हम जो है वो ब्लैक इंक भरेंगे, वो भी इस वाले कन्वर्टर से, ठीक है। इस वाले कन्वर्टर का यूज़ करेंगे, एक काम करते हैं, कन्वर्टर का हम इस वाले पेन में यूज़ कर लेंगे, इस वाले में, ठीक है। मुझे ब्लैक चाहिए, उसको भी मैं अरेबिक वाला पेन बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसको चला कर दिखा दे रहा हूँ। कोई भी एक यही वाला हम यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। आई थिंक सेम ही होगा, इसका अलग है, फिर भी हम इसी का निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी पेन का कन्वर्टर। अब देखो मैं इसको लगा के दिखाऊंगा आपको। ये आपको रखना ऐसे नहीं करना है आपको, आपको इस वाले पोर्शन को नीचे रखना है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप नीचे रखेंगे, और यहाँ पर जो है वो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ऊपर से भी मैं दबा रहा हूँ और नीचे वाला भी मैं दबा रहा हूँ इसको। आपको देखो ये आवाज़ भी यहाँ पर आई, अब ये फिक्स हो गया है, ठीक है। अब यहाँ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ हम थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे और चलाने की कोशिश करेंगे। अभी तो थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हैं, और मैं इसको आपको लिख कर दिखाऊंगा। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इंक नीचे आने में, देखिए ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, कुछ भी अच्छा लिखता है। हेलो गाइस, ठीक है, हाउ आर यू, तो काफ़ी अच्छा लिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा पेन है, इसको आप मंगा सकते हैं। देखो इससे मैं उर्दू नहीं लिख सकता, अगर मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ तो देखो कैसे लिखेंगे। अगर मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ तो ये इसको जिस तरह की आएगी, है ना, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखना चाह रहा। अगर मैं इससे इंग्लिश वगैरह लिखना चाहें तो ये बहुत ही आसान है और अच्छा पेन चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, है ना। इसको आपको आराम से चलाना है, क्योंकि ये कॉपी सही से मैंने नहीं रखी। अगर मैं इसको नीचे रख के चलाने की कोशिश करूं तो हाँ ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। हेलो गाइस, देखें इसको चला के, प्यारा चल रहा है, ठीक है। तो ये पेन तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से लिख रहा है, काफ़ी अच्छा लिख रहा है। और इस पेन को अगर मैं लिख के दिखाऊं, देखो ये मैंने अरेबिक इसलिए, मैं पहले आपको यहाँ लिखता हूँ, अपना नाम ही लिखता हूँ, ये कुछ इस तरह का, एक मिनट, देख रहे हैं आप, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी नीचे थोड़ा सा अच्छे से नहीं रखा गया, इसलिए और भी बेहतर लिख सकते हो, है ना, वो तो आपके ऊपर है आप किस तरह से लिख रहे हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो कन्वर्टर का कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो ये हमारा पेन हो गया। अब यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है इसमें जो है, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो कुछ कन्वर्टर होते हैं जिसको हम ऐसे बाहर की तरफ पुल करते हैं, है ना, और कुछ कन्वर्टर जिसके अंदर कुछ इस तरह की जो है वो अंदर, देखो इसके अंदर क्या है, चूड़ियाँ टाइप की हैं, तो हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको फुल उस पर रख देना, ऐसे कर देना है, और उसके बाद हम इंक डालेंगे इसके अंदर। चलिए मैं इंक डाल लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, और मैं इंक पहले इसमें कर ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि गंदा ना हो, ये गंदा नहीं होना चाहिए, यह हम रख लेते हैं। और देखो इसको ऐसे आपको डुबोना है, पूरा ये डूब रहा है, अब इसको ऊपर को ऐसे करना है, आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह का, देखिए ये आ गया कन्वर्टर के अंदर, ओके। एक मिनट में टिश्यू पेपर लेके आता हूँ,
ये जो कन्वर्टर है इसका हम यूज करेंगे इसके अंदर, आपको कन्वर्टर करना है। देखिए इसके साथ कन्वर्टर नहीं है, कन्वर्टर जो है वो इस वाले पेन के साथ आया, हॉसर का पेन है, लेकिन मैं इसको इसमें यूज करके देखना चाहता हूँ। तो इसको अगर आप कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही रखना है और आपको इसको पुश करना है, ठीक है। ये आसानी से पुश हो गया और इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। अगर आप इसको ऐसे दबाएंगे तो सारी इंक बाहर निकल जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। और इसको आप इसमें लगा के मैं चेक करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कन्वर्टर, एक मिनट में चेक करता हूँ उसका। हाँ सही, क्यों कन्वर्टर दूसरे उसका है ना, तो अगर मैं इसको जबरदस्ती फोर्स करता और वो इसको इंक निकाल दे तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलो इसको इस पेन का भी यूज़ करके देखते हैं हम, इसमें जो है वो हमारी ब्लैक इंक चलेगी। पहले इसकी इंक आने दो, इसको थोड़ा सा कर लेंगे। अब चल गया, हाँ तो चलने लगा, ठीक है। अभी जो इंक है वो बहुत क्वालिटी वाली इंक नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसा चल रहा है। और हाँ अब चलने लगा सही, मतलब इंक आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी क्वालिटी की इंक डालें। पार्कर की इंक डालेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए, तो इस पेन को अगर आप खरीदना चाहें तो आप कहाँ से खरीदेंगे? ऑनलाइन तो शायद इसकी डिलीवरी चार्ज लगेगा, महंगा पड़ेगा आपको, है ना। तो आप क्या करें, इन पेन को खरीदने के लिए आप जो है अपने लोकल शॉप, जो आसपास की लोकल शॉप है उनके पास चले जाएं और वहाँ से जाके खरीद लें, आपको सस्ता पड़ेगा। 50-60 रुपये के आसपास आपको ये पेन मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। अगर आप इससे लिखना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर पेन है। तो मैंने ये पेन आपको ओपन करके दिखा दिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कि आप इनको जो है वो, मेरे हिसाब से तो अगर आप यूज़ करें और स्पेसिफिकली अगर आप जो है वो अरेबिक और उर्दू वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तब तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है।